हेलो एंड वेलकम टू CDTFB। दोस्तों CDTFB की इलस्ट्रेटर की आज नई क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप स्क्रीन पर साफ साफ देख सकते हैं कि एक स्फेयर है और इसमें खूबसूरत सी लाइनिंग्स लाइन आर्ट वगैरह कुछ डला हुआ है। तो ये किस तरीके से बना सकते हैं ये बना समझाऊंगा। छोटा सा वीडियो, आसान सा होगा, बहुत आसान है, सिर्फ टेक्निक समझने की बात है थोड़ी सी, वो समझाऊंगा मैं और आप आसानी से कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं इस डिज़ाइन को उठाकर बाहर रख देता हूँ कैनवस के, यहाँ इसको छोटा भी कर देता हूँ, देखिए इस तरह। तो इसके लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, जैसा कि आप डिज़ाइन में साफ देख सकते हैं, एक तो ये आर्टवर्क चाहिए जो लाइन आर्ट है और एक इस तरह का सर्कल का स्फीयर चाहिए, स्फीयर इफेक्ट। तो सबसे पहले हम ये लाइन आर्ट का आर्टवर्क बना लेते हैं, बल्कि दो आर्टवर्क बनाऊंगा मैं आपको दिखाने के लिए। सबसे पहले मैं लाइन के लिए एक टूल ले रहा हूँ, ये लाइन वाला, और मैंने एक लाइन ड्रॉ करी है इस तरह सिंपल। और अब मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, ये देखिए इसमें हम इसका स्ट्रोक देंगे 8 पॉइंट और कलर इसका कोई भी चेंज कर देंगे हम यहाँ से, जो दिल चाहे आप चूज कर लीजिए। मैं फिलहाल इसमें ये रख लेता हूँ और स्ट्रोक को मैं राउंड कैप करूँगा इसका, ये वाला, ये, ताकि ये राउंड कैप खूबसूरत लगेगा ज़रा। मैंने पहले उसमें भी यही रखा है। तो ध्यान से देखिएगा, छोटी छोटी चीज़ें हैं ये, लेकिन बहुत यूज़फुल होती हैं, बहुत काम आती हैं। इसमें आपको लोगो वगैरह डिज़ाइन करने में, 3D इफेक्ट डालने में जब बनाएंगे तो बहुत काम आएंगी। ये देखिए मैं इसको छोटा कर देता हूँ एक को, फिर एक और ऐड कर लेता हूँ यहाँ, और इसका कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ से। कोई भी कलर चेंज कर सकते हैं आप, जो आपकी चॉइस होगी। मैं ऐसे ही रैंडम कोई भी रख लेता हूँ, इसको और छोटा कर लेंगे हम, देखिए इस तरह। फिर ये एक और इस वाले को सिलेक्ट कर इसकी एक और कॉपी ले रहा हूँ मैं, देखिए ये ले ली। गैप अपनी मर्जी से आप इसको अकॉर्डिंगली कर सकते हैं, जितना आपको रखना हो, किसी का ज़्यादा किसी का कम। रैंडम ये देखिए लंबा हो गया। मैं इसको और एक कॉपी कर लेता हूँ छोटे वाले की यहाँ, और स्मॉल कर देते हैं इस तरह। तो इस तरह के कुछ ऐड कर लेंगे अलग अलग, और इसमें कलर चेंज करना चाहें आप चेंज कर लीजिए, या टू कलर्स, या जो भी आप बनाना चाहें, चॉइस कम्प्लीटली आपकी है। मैं इसमें कलर ऐड कर देता हूँ, कलरफुल ही बनाएंगे, थोड़ा सा देखेंगे अच्छा लगेगा। ये कलर इसका हम कोई और यूज़ कर देखते हैं, ब्लू ले लेते हैं, ये वाला ले लेते हैं, और इस वाले को ऑरेंज ले लेते हैं यहाँ कहीं, या मजेंटा, जो भी कलर लेना चाहें। सब अलग अलग डिफरेंट हो जाएंगे, ताकि बैंड में ये अलग अलग दिखाई दें। फिर मान लीजिए हमने ये बना लिया, अब हम इसको एक कॉपी ले लेते हैं इसकी यहाँ, और इसको राइट बटन क्लिक कर कर हम रिफ्लेक्ट कर लेंगे, सॉरी ये आ गया, राइट बटन क्लिक कर कर हम ट्रांसफॉर्म में रिफ्लेक्ट कर लेंगे, फ्लिप करके देख लेंगे इस तरह से। ओके, ये वापस बंद कर दूंगा जावास्क्रिप्ट। और चाहे ये इसको ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं, या इनको भी एडिट करके छोटा बड़ा आप कर सकते हैं अगर चाहें तो अकॉर्डिंगली। ये देखिए इस तरह थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड हो जाएगा ये आर्टवर्क, ये देखिए इस तरह। यहाँ रेड ले आइए आप चाहें, और इसको यहाँ आगे ले आएंगे हम, इसको भी थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ग्रीन को बड़ा कर लेंगे। फिर से यहाँ एक और इसको कॉपी कर लेंगे छोटे वाले की, ये देखिए यहाँ, और इस तरह कर लेंगे, इसको कलर चेंज कर देते हैं, एक कलर और ऐड कर देते हैं मजेंटा यहाँ पर, ये देखिए। अब इसी वाले की मैं टेम्प जल्दी जल्दी बताना है, तो आपको इसी वाले की कॉपी ले लेता हूँ मैं यहाँ, ऐसे एक पीस ये बन गया। फिर इसको हम कॉपी करते रहेंगे जितनी भी हमें बड़ा आर्टवर्क बनाना है, देखिए इस तरह। और बड़ा करना चाहते हैं और ले लीजिए, अदरवाइज ये इतना ही हम कॉपी कर कर रिपीट कर लेंगे। आर्टवर्क जितना क्रिएटिव आप बनाना चाहें वो बना सकते हैं, ये सिर्फ टेक्निक समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ। इसको ग्रुप कर दूंगा मैं कंट्रोल जी से, और इसको थोड़ी देर के लिए छोटा कर कर मैं एक छोटा करने से देखिए इसकी स्पेसिंग में फर्क पड़ गया। तो इसको यहाँ मैं सिंबल में इसमें डाल रहा हूँ, इसको ड्रैग कर कर इस तरह न्यू सिंबल बना लूँगा, इस पर बना लूँगा लाइंस के नाम से, और इसको मैं ग्राफिक कर लेता हूँ, ले लीजिए ये आ गया, यहाँ पर ऐड हो गया। अब चाहें इसको डिलीट कर दें, चाहे बाहर रख लें। एक और बना लेते हैं इसमें हम, इस बार बनाते हैं थोड़ा सा टेक्स्ट का कुछ, यहां पर लिखते हैं टेक्स्ट,
अलग अलग लेटर्स लिख लेंगे, देखिए इस तरह। फिर यहां पर कॉपी कर लिया मैंने, फिर टेक्स्ट टूल ले लिया और यहां लिख लेंगे, कुछ भी लिख लीजिए। फिर कॉपी कर लिया मैंने, फिर लिख लेंगे कुछ और, फिर मैंने एक कॉपी कर लिया, टूल इफेक्ट टिप्स, क्रिएट कस्टम, सेव सेव कर देते हैं बल्कि इसको। कॉपी इस तरह से कुछ अपर केस में, कुछ लोअर केस में, इस तरह के रैंडम कुछ टेक्स्ट लिख लिए मैंने, और इनको मैं ब्लैक ही रहने दूंगा इस बार। तो यहां एक लाइन हम बनाने की कोशिश करेंगे इस तरह, कुछ कुछ भी रैंडम ऐसे ही टेक्स्ट रखकर कुछ देखेंगे, कुछ छोटा बड़ा कुछ करेंगे एक्सपेरिमेंट। यहाँ कॉपी इसको इस तरह कर लेंगे, बोल्ड कर लेंगे, देखिए हम बोल्ड कंडेंस भी कर सकते हैं या बोल्ड कर देंगे हम सिर्फ। यहाँ रख देंगे टिप्स, यहाँ रख देंगे, देखिए कहीं हम इसी तरीके से थोड़ा सा ये वाला नहीं, ये वाला रखेंगे हम सेव, और इसको बोल्ड कर देंगे, देखिए इस तरह। यहाँ से गायब हो गया, देखिए कस्टम। हम यहाँ कुछ और रख देते हैं, ये रख देते हैं, ऐसे ही जस्ट आपको एक आइडिया देने के लिए ये, कि आप समझ पाए कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। देखिए यहाँ कॉपी फिर से ले लेते हैं, इस बार हम इसको इतना रोटेट कर देते हैं इस तरह कुछ। टूल आ गया हमारा, बैंड यहाँ डाल देते हैं छोटा, कस्टम यहाँ रख देते हैं उठाकर, और ये मान लीजिए हमारा आर्टवर्क फिलहाल ये फिल हो गया। अब इसी की चाहें तो एक कॉपी और बना लें हम इस तरह, तो ये बड़ा हो जाएगा, चाहे इस तरह बना लें चाहे इस तरह बना लें, ये देखिए चाहे जैसे कर सकते हैं, या इतना भी रख सकते हैं, ये देखिए। इसको थोड़ा सा कंडेंस कर देता हूँ मैं, ताकि भर जाए थोड़ी सी जगह। अब इसको सबको सिलेक्ट कर कर हम क्रिएट आउटलाइन कर लेंगे, ये थोड़ा सा कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, और इसको ग्रुप कर लीजिए एक साथ, सॉरी ग्रुप अरेंज, कंट्रोल जी से ग्रुप कर लेंगे हम, और ड्रैग कर कर यहां डाल देंगे हम, यहां नया रख देंगे टेक्स्ट, इसको भी हम ग्राफिक कर लेते हैं। चलिए ये ब्लैक हो गया, इसको भी बाहर रख देता हूं। अब इन दोनों की फिलहाल जरूरत तो नहीं है क्योंकि यहां ऐड हो चुका है ये। अब हमें बनाने के लिए एक सर्कल चाहिए, देखिए हाफ सर्कल चाहिए, सेमी सर्कल, शिफ्ट के साथ मैंने इसको सर्कल को ड्रॉ किया। मैं इसको फ्लिप कर कर ऐसे कर देता हूं, और मैं अपना डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लूंगा, और यहां से ये वाली एक नोट सेलेक्ट करके इसको डिलीट कर रहा हूं, और फिर पेन टूल लूंगा,
देखिए मेरा ऑब्जेक्ट सिलेक्ट है और मैं इस नोड से लेकर इस नोड तक लेकर ये सर्कल पूरा कर दूंगा कंप्लीट, और ये वापस अपने सिलेक्शन टूल पर आ जाऊंगा। देखिए अब ये जॉइंट वन पीस का एक ये इस तरह का इफेक्ट सर्कल सेमी सर्कल मुझे मिल गया। तो अब मैं इसको इफेक्ट में जाऊंगा, 3D में जाऊंगा और रिवॉल्व में जाऊंगा। तो जब मैं रिवॉल्व पे क्लिक करूंगा तो इस तरह से ये ऑप्शन मेरे पास खुलकर आएगा विंडो का। तो मैं यहाँ साइड में रख लेता हूँ ताकि आप इसको सही तरीके से देख पाएं। अब मैं इसकी सेटिंग्स कुछ यूज़ करूँगा। देखिए इसका प्रीव्यू ऑन कर लेता हूँ ताकि लाइव प्रीव्यू यहाँ देख सकें आप क्या बन रहा है। अच्छा एक बार मैं कैंसिल कर रहा हूँ, मैं इसमें कलर फिल कर देता हूँ ग्रे, ताकि हम ग्रे कलर पे काम करें। ये देखिए इस तरह लाइट ग्रे ले लेता हूँ, ये देखिए 20% ले लेता हूँ चलिए। और यहाँ से अब मैं जाऊँगा इसको 3D में, रिवॉल्व में, और अब प्रीव्यू ऑन करूंगा। देखिए ये इस तरह का रियलिस्टिक 3D शेडिंग मिल जाएगी। अच्छा अब इसकी शेडिंग ये जो हमें यहाँ दिखा रहा है इसकी, यहाँ से आपको नॉर्मली इसी तरह दिखाएगा जैसा मेरे पास दिखा रहा है, लेकिन अब यहाँ मोर ऑप्शन अगर आप क्लिक कर देंगे तो इस तरह के और ऑप्शन आपके सामने डिस्प्ले हो जाएंगे। अब जब ये डिस्प्ले हो जाएंगे तो यहाँ आपको दिखाएगा ये शेडिंग, शेडिंग चाहे आप इसी तरह की रख सकते हैं या इसको मूव करके कहीं प्लेस करना चाहें तो इस तरह प्लेस भी कर सकते हैं, या आप एक शेडिंग और ऐड करना चाहें तो इस वाले ऑप्शन पर न्यू लाइट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ एक शेड और ऐड हो जाएगी। यहाँ लाइव प्रीव्यू आप देख सकते हैं। देखिए मैं यहाँ कहीं ऐड कर देता हूँ इसको, ये देखिए यहाँ, और इस वाली को थोड़ा सा एज पर ले जाता हूँ। इंटेंसिटी लाइट की 100% है और मैं इसको ब्लेंड को कर दूंगा ज़्यादा, तो इसको मैं करीब 100 से ज़्यादा ही कर दूंगा, 100 कर देता हूँ चलिए। और ब्लैक शेडिंग सही है, ये सब बाकी सब यही रखेंगे। लाइटिंग वगैरह अगर ये चाहें लाइटिंग एम्बियंस वगैरह ये इसकी छेड़ सकते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने ज़्यादा कर दी और कम कर दी, ये देखिए लाइटिंग आपको दिखाई देगी ज़्यादा शार्पनेस। इस तरह से मैं ऐड कर देता हूँ, 30 कर देता हूँ चलिए। ये हाईलाइट इंटेंसिटी 60 है तो बढ़ाकर देखते हैं, ये देखिए बस इतनी काफ़ी है 90। अब इसका एक्सेस अगर हम चेंज करना चाहें, देखिए यहाँ अभी वायर फ्रेम में आपको दिखाया गया, देखिए किस एक्सेस पर हमारा रोटेट हो रहा है। देखिए यहाँ आप देख सकते हैं ये है पोजीशन, जिस एंगल पर भी आप रखेंगे तो इस तरह रख सकते हैं, और या यहाँ से इसकी वैल्यू आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं इससे कर रहा हूँ तो ये मुझे सही है इतना एंगल। अब आपको अप्लाई करना है इसके ऊपर जो हमने आर्टवर्क बनाए थे, तो ये मैप आर्टवर्क में जाएंगे हम, तो यहाँ पर ये एक ऑप्शन दिखाएगा सिंबल का, और यहाँ से हम क्लिक करेंगे तो हमें ये लास्ट में दोनों सिंबल दिखाई देंगे। ये लाइंस वाला है, देखिए यहाँ मैं लाइंस वाले पे क्लिक करूँगा तो यहाँ ये लाइन अप्लाई हो गई। देखिए यहाँ जो वाइट पोर्शन दिखा रहा है ये ग्राफ के अंदर, ये दिखा रहा है ये कितने एरिया में अप्लाई करना है। अगर आपको हाफ एरिया में दिखाना है तो हाफ में दिखाएगा, अदरवाइज इसको आप मूव कर यहाँ प्लेस कर सकते हैं जितने में आपको दिखाना है, इसको बड़ा कर सकते हैं आप। ये देखिए वाइट पोर्शन में मैं बड़ा कर दूंगा इस तरह, रोटेट भी कर सकते हैं आप। देखिए प्लेसमेंट ये देखिए यहाँ आप देख सकते हैं पूरी आपको, और इसको बड़ा कर लेंगे, थोड़ा सा रोटेट कर लेंगे जैसा आपको एंगल चाहिए, डायरेक्शन इसकी हल्की सी और रोटेट कर लेंगे, इसका एंगल साइज बड़ा कर लेंगे, जितना आपको दिखाना है अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे यहाँ से। देखिए मैनुअली आप इसको ड्रैग ड्रॉप करके ये इस तरह हो जाएगा। देखिए अभी हमने लाइनिंग का क्योंकि गैप ज़्यादा रखा हुआ है इसलिए ये इस तरह का दिखा रहा है आपको, अगर आप लाइनिंग का गैप कम कर देंगे और क्लोज लाइनिंग करेंगे तो और ये क्लोज बन जाएगा। देखिए यहाँ जैसे आप चेंज करेंगे आप आर्टवर्क आपका उसी के हिसाब से ऑटोमेटिकली चेंज होएगा। देखिए तो हम इसको जहाँ भी यहाँ मान लीजिए हम यहाँ सेटिस्फाई हैं तो हम इसको यहाँ छोड़ देंगे। अच्छा एक चीज़ और, अगर आप चाहते हैं ये जो वायर फ्रेम के ग्रे स्केल दिखा रहा है ग्रे ना दिखाए तो इनविजिबल कर देंगे ज्योमेट्री है, तो इस तरह का कुछ दिखाएगा ये आपको, सिंगल लाइंस भी ले सकते हैं लेकिन मैं ग्रे स्केल पर ही ले लेता हूँ क्योंकि मैंने डाला हुआ है, तो ओके कर देते हैं हम इसको यहाँ। अब हमें देखिए यहाँ एज पर आप देखेंगे थोड़ी सी ये मज़ा नहीं आ रहा है इसमें, सही नहीं बैठ रही है सिमेट्री लाइनिंग की, तो हम इसको रोटेट करेंगे हल्का सा, यहाँ सही दिखाई देगी, यहाँ सही है तो हम इसको यहाँ यूज़ करेंगे और हम इसको ओके कर देंगे। ये देखिए ये अप्लाई होकर बन गया इस तरह का आर्टवर्क, क्योंकि इसकी लाइन क्लोज थी, इसके आर्टवर्क थोड़ा सा देखने में आपको डिफरेंट लग रहा है, इसकी लाइन अगर आप क्लोज कर अप्लाई करेंगे तो वो भी इसी तरह का हो जाएगा। चलिए मैं इसकी एक कॉपी बाहर रख देता हूँ यहाँ कहीं नीचे,
तो एक आइटम ये हो गया। अब मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ, मान लीजिए ये वाला अप्लाई करना चाहता हूँ टेक्स्ट, तो मैं यहाँ इफेक्ट सॉरी विंडो में जाऊँगा, यहाँ अपेरेंस का विंडो ऑन कर लूँगा मैं, तो यहाँ अपेरेंस में यहाँ दिखाएगा इफेक्ट, ये मैंने 3D रिवॉल्व, देखिए जो इफेक्ट इसमें यूज हुए हैं वो सब दिखाएगा, तो मुझे 3D रिवॉल्व वाले में जाना है। यहाँ से फिर आर्ट मैप, मैप आर्ट में जाऊँगा और यहाँ से मैं चेंज करूँगा ये वाला टेक्स्ट पे सिर्फ, तो ये टेक्स्ट मेरा यहाँ देखिए मैंने छोटा आर्ट वर्क बनाया हुआ है तो उतना ही आपको इसमें यहाँ दिखाएगा। यहाँ प्रीव्यू ऑन कर लेता हूँ ताकि यार लाइव प्रीव्यू आ जाए, ये देखिए ये इस तरह का दिखाएगा, लेकिन क्योंकि मैंने बहुत कम टेक्स्ट रखा हुआ है तो इसलिए ऐसा दिखा रहा है। चलिए हम इसको थोड़ा सा एडिट कर लेते हैं, अभी इसको अप्लाई नहीं करते, थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाते हैं और इस वाले टेक्स्ट को हम बड़ा कर लेते हैं, और क्योंकि ये बहुत कम हमने बनाया हुआ था, हाइट इसकी और बना देते हैं। देखिए यहाँ से कॉपी कर हम इसको ऐसे ही रफ कॉपी या टेक्स्ट इसका दिखा देता हूँ मैं आपको, और चाहें और इसकी कॉपी बना सकते हैं हम इस तरह, और चाहें ग्रुप कर लें इसको हम, और इसको हम एक कॉपी और बना लेते हैं ताकि बड़ा हो जाए और काफ़ी सारा टेक्स्ट हमें मिल जाए बारीक भी देखने के लिए। अब मैं इसको चाहे कलर्स का चेंज कर दें आप, चाहे ब्लैक रखें वो आपकी चॉइस है, क्योंकि इसके ऊपर मैंने ग्रे के ऊपर यूज़ कर रहा हूँ तो ब्लैक ही मैं कर देता हूँ अप्लाई। यहाँ मैं टेक्स्ट 1 कर देता हूँ और इसको ग्राफिक कर देता हूँ, चलिए ये हो गया है, इसको यहाँ कॉपी साइड में कर देता हूँ मैं। देखिए अब हम इस पर अप्लाई करेंगे, यहाँ से इसको छोटा कर देता हूँ थोड़ा सा ताकि देख पाएँ प्रीव्यू, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ रिवॉल्व वाला ऑप्शन एक्टिवेट हो गया, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे, मैप आर्ट करेंगे और यहाँ से हम चेंज करेंगे ये नया वाला टेक्स्ट जो बहुत सारा है, देखिए इस तरह, हाँ यहाँ से हम प्रीव्यू ऑन करेंगे, ये देखिए आप यहाँ देख सकते हैं। अगर आप चाहते हैं किसी भी टाइम इसका ग्रे स्केल ऑफ करना तो इस तरह ऑफ कर सकते हैं, या इसको यूँ इस तरह भी रख सकते हैं। अब टेक्स्ट अगर आप और बड़ा कर देखिए मैंने बड़ा कर दिया और इसको रोटेट करना चाहें आप यहाँ से, तो और अच्छा यहाँ देखिए यहाँ इफेक्ट बनकर आएगा, तो आप इस तरह अप्लाई कर बना सकते हैं। देखिए इसको ओके कर देंगे हम, ये हमारा आ गया, अगर हमें कोई परेशानी नहीं है हम इसको ओके कर देंगे, ये देखिए ये हमारा टेक्स्ट अप्लाई हो गया है, कितना अच्छा स्फीयर के हिसाब से आया है। और ये सब होने के बाद अगर आप किसी भी टाइम चाहते हैं ग्रे आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो आप इसको सिलेक्ट करेंगे सिंपल और यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं कोई भी जो आपकी चॉइस हो। देखिए येलो मैंने चेंज कर दिया, ग्रीन कर दिया, ऑरेंज कर दिया, जो आपकी चॉइस होगी आप उस टेक्स्ट पर आप कलर चेंज कर सकते हैं। ये देखिए अगर आप चाहते हैं ये लाइटिंग इफेक्ट को और मॉडिफाई करना, यहाँ से फिर हम जाएंगे इसमें, ये देखिए हमने इसमें गए, ये लाइटिंग हम मॉडिफाई करना चाहते हैं, यहाँ कहीं दिखा सकते हैं मूव कर और इसकी इंटेंसिटी हम सॉरी एम्बियंस कम करेंगे और ये 100 कर देंगे, हाईलाइट साइज थोड़ा सा सही है, और हम इसको देखिए जहां भी हम दिखाना चाहें लाइटिंग उतनी ज्यादा हम दिखा, हमने इस तरह रोटेट किया हुआ है तो इस तरह कहीं दिखाएंगे हम लाइटिंग, यहां ज्यादा सही है। ओके ये देखिए ये आ गई हमारी लाइटिंग, तो ये बिल्कुल एकदम रियलिस्टिक 3D आपका डिजाइन तैयार हो जाएगा। ये देखिए आप दोनों डिजाइन क्लोज रख लेता हूँ, ये पहले जो मैंने बनाया हुआ था वो भी क्लोज रख लेता हूँ, इसके जूम कर देता हूँ इसको थोड़ा सा, और ये हमारे पास 3 डिफरेंट डिजाइन तैयार हो गए हैं। तो कैसा लगा आज का ट्यूटोरियल, आपको कैसा समझ में आया, टेक्निक ये आसान है बहुत, इसमें कोई भी इफेक्ट आप वेक्टर का बनाएं, सिंबल में डालें, कार्विंग के डिजाइन हो, बॉर्डर के डिजाइन हो, कुछ भी अच्छे अच्छे इफेक्ट आप बनाकर आसानी से कलर चेंज कर 3D बना सकते हैं कुछ ही सेकंड्स में। जल्दी ही नए वीडियो लेकर आऊंगा, देखते रहिए। अगर इलस्ट्रेटर की क्लास हमारी आपको पसंद आ रही है तो हमें कमेंट में जरूर बताएं ताकि मैं जल्दी जल्दी अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूं, क्योंकि मुझे लगता है शायद लोगों को ज्यादा अट्रैक्ट नहीं कर रही है मेरी क्लासेस इलस्ट्रेटर की, इसलिए मैं बहुत कम बना रहा हूँ या लोग
पसंद नहीं कर रहे हैं, इसलिए मैं नहीं बना रहा हूँ बहुत ज़्यादा। अगर लग रही हैं आपको अच्छी तो मैं बनाऊँगा। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग CDTFB। थैंक यू फॉर बींग अ पार्ट ऑफ CDTFB फैमिली।